पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। वो एक जना का मतड की तड़क रुखे मरना है गया सांझ की उतरी ने बोला विकास करेंगे। एकताई आगी उस हाथ पकड़े ने बोला ताई विकास होया। बोला विकास का तो बेरा नहीं भाई मारा तो पिंकी हुई है। फिर देखी जा बात बढ़ेगी भी छोड़ गए। फिर नु बोला विकास करेंगे। अपने घर के शामी क्यों नहीं आ गया मरा बटा घर के शामी आ गया। बोला विकास करें बोला छोड़ दे विकास करने और तो देखी जा वहा छोड़ गए। फिर दूसरी पकड़ ली डाकी ने न बोला देश की तस्वीर बदलेंगे। घराली ने मारा रुखा ऊपर ने बोला देश की तस्वीर फिर बदलिए। पहले पजामा बदले मेरी सलवार फिर गुजारिया है। अरे भाई ये तो है ये तो छड़न का टाइम हो गया इनका। आप अपना घर ले लो थोड़ी। उनको फांसी तोड़ दिया गया लोगों। और मैं किसी पार्टी का बहिष्कार नहीं कर रहा लेकिन कुछ आदमी जड़ाए गए चंदन की लकड़िया में। और जिसने असली करीम जिसने देश के लिए कुर्बानी दी उनके साथ अंग्रेजों ने क्या व्यवहार करा ध्यान से देखियो। फांसी तोड़े कटे पटे शरीर बोरिया में गाल गए और जेल के पिछले रास्ते दकाट गए और सतलुज नदी के किनारा ले गए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की डेड बॉडी ने। और क्यूकरदार संस्कार करे अंग्रेजा ने घराना तो भी नहीं दिए थे। आज उनके कारण यह जिंदगी है। और अपनी राजनीतिक रोटी शोक है को चंदन मजड़ो को क्या है मजड़ो भाई को कोठिया मरो को मैल मरो। और ये मारे थे मैल का प्रोग्राम करके। इनको अंग्रेजों ने कैसे जड़ाया रहे क्या कर गए क्या कर। सतलुज के किनारे जला दिए सुखदेव भगत संग राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए सुखदेव भगत संग राजगुरु सतलुज के किनारे जो उनकी ओड़ में बोले उनकी ओड़ में बोले थे कर नारे नारे जड़ा दिए सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जड़ा दिए जो उनकी ओड़ में बोले थे कर नारे नारे कौन जो उनकी ओड़ में बोले थे कर न्यारे न्यारे जड़ा दिए। मैन बदमाश का एनकाउंटर करके अगले दिन और आना भी मारा गया पुलिस लोग ना तो बेरा ही नहीं इस बात का। अब अगले दिन कितने छोरे मरे थे हिंदुस्तान में जगह चुन चुन के मारी थी अंग्रेजा क्यों करता संस्कार करया ना लकड़ी थी ना कोला था ना अगरबत्ती थी ना सामग्री थी ना कुछ था के था लकड़ी की जगह केक रखा था। अगर दगर की
गोला था नहीं अगर दगर की गोला था बिन मंत्र विचारे चढ़ा दिए सुखदेव भगत संग राजगुरु सतलुज के किनारे जो उनकी ओड में बोले थे कर नारे नारे चढ़ा दिए सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जारे जारे दिए बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा भाई सोनू वर्मा औलाना से बड़े भाई करण के समान दानी 101 रुपए से और मान सम्मान करते हैं भाई का धन्यवाद है। एक सरपंच औलाना से हजारों रुपए पहले सरपंच साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद। 50 रुपए से और हमारे साथी ने मान सम्मान किया है धन्यवाद। और आम के रहेंगे और फिर अंग्रेजा ना वो भी काम करा था ये बालक लड़ते हैं गांधी नू फलाना नू पिता पुत्र का नाता था ये आदरणीय बलमत जी के सुपौत्र अमित महात्मा जी 50 रुपए से मान सम्मान सतगुरु माता जी आपको बहुत तरक्की दे माता जी आपको बहुत सच्चा गुरसिख बनाए बहुत बहुत धन्यवाद है। के करा फिर उन्होंने कहते थे हो सब नम से सूबे थे लचार थे कुछ ना कहते थे जिस जगह पे गांधी रहते 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 थे रव छाने को सारे जड़ा सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे चढ़ा दिए उनकी ओर में बोले थे नारे नारे चढ़ा दिए देव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे चढ़ा दिए उनकी ओर में बोले थे नारे नारे चढ़ा दिए। अरे याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी याद तेरी आएगी मेरे लिए आदरणीय देवेंद्र छिकारा जी 101 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं हमारी बुआ जी प्यार रखी वहां छिकारा साहब बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से धन्यवाद है। संजय भाई साहब प्रजापत जी पुरखास गांव से 101 रुपए से हौसला बजाई करते हैं तहे दिल से धन्यवाद। और ध्यान से सुनने की बात बुद्धिजीवी इंसान बैठे हैं कहीं आप सभी बुद्धिमान हो गौर से सुना यहाँ क्या रह गया और असली चीज कड़ा चली गई वह के थे और हम के रह गए क्या कहा धर्मवीर जी गढ़वाल से रिश्तेदार जी 200 रुपए से हौसला उजाई करते हैं धन्यवाद है धन्यवाद क्या कहा
झड़े रहे छड़ छड़ की चढ़ में पड़े रहे फूल पात से झड़े रहे छड़ छड़ की चढ़ में पड़े रहे हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे हम झाड़ बोझड़े हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे ये बादाम छवारे चढ़ा दिए सुख सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतगुरु के किनारे चढ़ा दिए जो इनकी ओर में बोले थे नारे नारे चढ़ा दिए सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतगुरु के किनारे चढ़ा दिए उनकी ओर में बोले थे नारे नारे तेरी कदरदानिया तेरी मेहरबानिया तेरी कदरदानिया ओ कुर्बान तुझ पे कई दिन दकानिया तेरी मेहरबानिया तेरी कदरदानिया कुर्बान तुझ पे तेरी कई दिन दकानिया रुपए पहले 50 रुपए से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है धन्यवाद और एक चीज और घरों के आगे लिखा मिलता है स्वर्गीय स्वर्गीय कौन होता है किसी के जैसे कर्म हो अपने आप स्वर्गीय लगाने से कुछ नहीं होता जो देश के लिए मर मिट गया उसको पक्का स्वर्ग में लगा दादा मांगे राम ने कहा आखिरी कली में क्या कहा ललकारे गए स्वर्ग में सुख पारे और कवि शेर तू ललकारे गए स्वर्ग में सुख पारे बेधड़क बीमारी ने सारे बेधड़क बीमारी ने सारे अरमान तुम्हारे जरा दिए सुखदेव भगत सिंह Oh.